अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, इस्लामाबाद के सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में, और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे हलके जो इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी में हैं, वहाँ पर कुछ बातें चल रही हैं, वहाँ पर कुछ चेह मगोइयाँ चल रही हैं, जबकि दूसरी जानब इमरान ख़ान बेकाबू हैं। इमरान ख़ान को काबू करना इस वक्त इन सब के लिए नामुमकिन हो चुका है, जबकि निगरान बहुत जल्द ही घबरा गए हैं। वैसे भी सर मंडाते ही ओले पड़े हैं, तो निगरान हकूमत हाथ खड़े करती हुई महसूस हो रही है। अब इस वक्त आवाज़ें मार्शल ला की उठ रही हैं, ये मामला क्या है? मैं आपके सामने 7-8 ऐसी खबरें रखूंगा और कड़ी से कड़ी आपने मिलानी है, अपने डॉट्स कनेक्ट करने हैं, और ये डॉट्स कनेक्ट करते ही पूरी पिक्चर आपके सामने वाजे हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और आपको तमाम तर चीज़ें मज़ीद बेहतर अंदाज में समझ आना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो बड़ी अपडेट है वो मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख देने के मामले पर राय से मुतालिक ऐवान सदर के ख़त पर वजारत कानून और इंसाफ ने सदर आरिफ अलवी को जवाबी ख़त अरसाल किया है। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था कि आए मिल के डेट देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त लिखा कि अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है और अब ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, सदर का नहीं है, इसलिए आपके साथ वो नहीं मिल रहे। सदर ने इसमें और क्या करना था, उन्होंने लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट किया, उन्होंने वजारत कानून और इंसाफ को कहा कि आप इस पर राय दें। अब मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक वजारत कानून ने सदर को जवाबी ख़त लिखा है और वही कहा है, जाहिर है निगरान हुकूमत है, निगरान वफाकी कानून है, उनकी मिनिस्ट्री है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही जवाब है कि इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख देने की मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है। ख़त में कहा गया है कि एक साफ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवाने के लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही तारीख दे सकता है, इसके अलावा कोई और तारीख नहीं दे सकता। जाहिर है इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है और इलेक्शन एक्ट की तरमीम यही कहती है कि ये इख्तियार सदर के पास नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन मेरा सवाल वही है जो सवाल सदर का भी है कि आइन कुछ और कह रहा है। अब आइन में तरमीम के लिए तो इन्हें 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, जो कि पिछली हुकूमत के पास नहीं थी, तो आइन तो कोई और बात कर रहा है। आइन मुकदम है या एक एक्ट में तरमीम मुकदम है? ये मुकदमा अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाए तो इसका नतीजा निकल सकता है, लेकिन एक चीज़ वाजे हो चुकी है कि इस वक्त सब खुलकर सामने आकर एक्सपोज ज़रूर होते जा रहे हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साइफर केस में अदालत मुंतकली के वजारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर की समाअत अटक में करने के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त पर एतराज़ तो लगाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस एतराज़ के साथ ही आज इस केस की समाअत करेंगे। अब वो कितना इंसाफ देते हैं ये देखना होगा। दूसरी जानब लाहौर में पीपल्स पार्टी की जानब से महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ रैली निकाली गई है। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर की क्यादत में प्रेस क्लब से चेरिंग क्रॉस तक ये रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगाई और महंगाई में कमी का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर ने कहा कि हम बिजली के बिलों में कमी तक एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। हकूमत को IMF से मुआहदे पर नज़रसानी करनी चाहिए, अगर आवाम पर मज़ीद बोझ डाला गया तो पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी शुरू हो जाएगी। अब ये बात कौन कर रहा है? ये पीपल्स पार्टी कर रही है, जो कि शरीक जुर्म थी। अब ये मुखबरी कर रहे हैं, लेकिन किसकी मुखबरी कर रहे हैं? फिर निगरान हुकूमत को तो सर मंडाते ही ओले पड़े हैं। IMF पर कौन लुटियां डाल रहा था? ये सारे सवालात अपनी जगह हैं, लेकिन निगरान हुकूमत के लिए मुश्किलात में जो है वो इजाफा हुआ है। अब फरहतुल्ला बाबर ने एक ट्वीट किया है कि केयर टेकर्स अमेंड्स द रूल, के निगरानों ने कानून मुबैना तौर पर तब्दील किए हैं। नादरा के चेयरमैन के लिए एक हाजिर सर्विंग आर्मी का अफसर अब लग सकता है। फिर इन्होंने कहा कि जब मुशर्रफ ने 1999 में मार्शल ला लगाया तो उन्होंने पहली मरतबा DG मिल्ट्री लैंड एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल को लगाया और ये ओहदा सिविलियन से छीन लिया, और अब मुख्तलिफ इदारों को जो फतह किया जा रहा है उसका ये सिलसिला जारी है, ये कंटिन्यू कर रहा है, ये उसी की कंटिन्यूशन है। यानी निगरानों पर एक मार्शल ला दौर के इकदाम की कंटिन्यूशन का इल्ज़ाम फरहतुल्ला बाबर साहब लगा रहे हैं।
पहली खबर पीपल्स पार्टी वाली, दूसरी ये खबर, इसे आप इक्वेशन में डाल लें। अगरचे निगरान हकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, निगरान हकूमत पीटीआई के दौर पीटीआई के लिए भी बहुत सी मुश्किलात क्रिएट कर रही है, पीटीआई का निगरान हकूमत के हवाले से मौकफ भी आप सबके सामने है। दूसरी जानब एक और डेवलपमेंट आई है कि चीनी माफिया ने मुल्क में सस्ती चीनी की को ज़रूरत से ज़्यादा करार दिलाकर जो है वो हकूमती इजाज़त के तहत ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलरों में मुनाफा कमाने के बाद चीनी के ज़खायर कम होने पर अब टैक्स दहिंदगान के पैसों से महंगी चीनी इम्पोर्ट करने की इजाज़त भी हासिल कर ली है। वफाकी हुकूमत ने 220 रुपये किलो के हिसाब से 10 लाख मैट्रिक टन चीनी इम्पोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। महंगी चीनी इम्पोर्ट करने के बाद सारेफीन भी महंगी चीनी ख़रीदने पर मजबूर हो जाएंगे। सो गेट रेडी एक और हमले के लिए महंगाई का जो आप पर होने वाला है। जबकि शुगर मिल मालकान की मुनाफाखोरी का बोझ हकूमती ख़जाने और सारिफ की जेब पर पड़ेगा। हकूमती ख़जाना कौन चला रहा है, ये अपने घर से तो नहीं पैसे ला रहे, आप और मैं ही टैक्स दे रहे हैं ना, मतलब डायरेक्टली आपकी और मेरी जेब पर इसका फ़र्क पड़ेगा। इस सिलसिले में शुगर मिल मालकान से ना कोई इंक्वायरी की गई है ना कोई पूछगछ की गई है। गन्ने की बम्पर पैदावार के बाद अगले क्रशिंग सीज़न में फिर चीनी ज़्यादा बनेगी, ताहम लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या फिर यही कहानी दोहराई जाएगी या वाफिर मकदार में चीनी का फ़ायदा कभी सारिफ को भी मिल सकेगा, आम आदमी को भी मिल सकेगा, पाकिस्तानी को, एक पाकिस्तानी को भी मिल सकेगा। नाज़रीन इकराम अब एक और स्टेटमेंट ले लें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, जो कि डार्क इकोनॉमिक्स पाकिस्तान में लॉन्च करके लंदन फरार हो गए, उन्होंने कहा है कि चीनी की कीमत में इजाफा बेईमान कारोबारी तरीकों और नाकिस गवर्नेंस की अक्कासी है। यानी कि पिछले 15-20 दिन के अंदर गवर्नेंस नाकिस हो गई, इससे पहले बड़ी बेहतरीन थी। एक बयान में चीनी की कीमत में इजाफे पर रद्देअमल देते हुए इसहाक डार ने कहा कि मुल्क में चीनी के ज़खायर से मुतालिक फाल्स अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं। मुल्क में चीनी का मौजूदा ज़खीरा 23 लाख मैट्रिक टन है और चीनी की महाना खपत 5 लाख मैट्रिक टन से कुछ ज़्यादा है। उन्होंने इसमें नाकिस गवर्नेंस इसे करार दिया। चीनी का मामला देख लें, बिजली के बिलों का मामला ऑलरेडी आपके सामने है। अब इनकी मजबूरी क्या है, ये जितने मर्जी इजलास बुला लें, इजलास में ये रिलीफ तो नहीं दे सकते, क्योंकि IMF जिस पर ये लुडियां डाल रही थी पिछली PDM की हुकूमत, अब आलमी मालियाती अदारे ने बिजली बिलों में रिलीफ की सूरत में टैक्स वसूलियों से मुतल्लिक कुछ सवालात पूछ लिए हैं। ज़राए के मुताबिक IMF हुकाम और FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात हुए, जिसमें चेयरमैन FBR और दीगर हुकाम ने शिरकत की और मुज़ाकरात में मौजूदा माली साल के अहदाफ के हसूल के लिए स्ट्रेटजी पर बातचीत हुई और इस दौरान IMF ने FBR के हदफ के हसूल में नाकामी की वजूहात पर सवालात और जवाब किए हैं। अब IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान तलब कर लिया, यानी आप समझ जाएं कि मामलात इनके लिए मुश्किल हो रहे हैं। अब इस इक्वेशन में एक और डॉट को इस डॉट के साथ कनेक्ट करें। निगरान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर साहबा ने साफ साफ कह दिया है कि IMF की शरायत पर चलेंगे तभी बैरूनी जो है वो इमदाद मिलेगी, मसाइल के हल के लिए सारी सलाहियतें इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी आपको सब्र करना होगा। अब कितना सब्र करना होगा ये नहीं बताया। सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि आमदन का 70% तो कर्ज की अदायगी पर लग रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि मार्किट से 23% पर कर्ज लेना पड़ रहा है, मुश्किल से खर्चे पूरे हो रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि बिजली के शोबे में काफ़ी अरसे तक मरात दी गई, ये पॉलिसियाँ हमने नहीं बनाई, हमारे आने से पहले ये पॉलिसियाँ बनी हुई थी, कई दहाइयों की पॉलिसियों को एक दिन में तो तब्दील नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि हम तो मुखलिसाना तौर पर आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि पेचीदा मौशी सूरत हाल पर इनका जो बयान है वो बड़ा अलार्मिंग है। इन्होंने कहा कि सोचती हूँ ये उदा कबूल ही क्यों किया। तो निगरान हाथ खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत जल्द, मतलब इतने जल्दी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जाहिर है मुश्किलात बढ़ रही हैं, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ऑलरेडी कह दिया है कि फरवरी से आगे इलेक्शन गए तो इस निगरान हुकूमत के साथ मामलात नहीं चलेंगे। फिर IMF ऑलरेडी खान साहब को जमान पार्क में गारंटी दे आया था कि हम जो इमदाद दे रहे हैं इसके तीन हिस्से हैं, एक हिस्सा PDM की हुकूमत को जो मिल गया है, दूसरा निगरान हुकूमत का, जबकि तीसरा हिस्सा मुंतखब हुकूमत को मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ सहाफ़ी हैं नाज़रीन इकराम जो नून लीग के बहुत करीबी समझे जाते हैं, वो एक नैरेटिव बना रहे हैं और उनमें से एक सहाफ़ी हैं जो मेन हैं और नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो मैं उनकी एक ट्वीट आपके सामने रखता हूँ, इससे आप समझ जाएं कि ये सारा टोला इस वक्त क्या नैरेटिव बना रहा है। कहते हैं कि इस वक्त गपशप चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, अफवाहें चल रही हैं
और इस वक्त इस्लामाबाद की फिजाओं में ये बात चल रही है कि एक तो पैसा जो इतनी तेज़ी से गिर रहा है और जो नाअहली या निगरान हुकूमत की मईशत ठीक करने में वो एक मेन वजह बन सकती है, एक नया एक्सपेरिमेंट, एक नया तजर्बा जो पाकिस्तान को फिक्स करे। वो लिखते हैं कि माई इंफॉर्मेशन से अदरवाइज एंड आई होप इट्स जस्ट आइडल गॉसिप बट दिस इज़ वेरी एक्सक्लूसिव सिचुएशन, यानी ये जो सूरत हाल है बड़ी ख़तरनाक है। अब ये दावे तो हो रहे हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी वाजह है कि इससे अच्छी केयर टेकर गवर्नमेंट मिल नहीं सकती, तो सामने आकर खुलकर खुद खेलने की ज़रूरत क्या है। हीट सारी पहले केयर टेकर तक जा रही है, फिर कहीं और जा रही है। ऑल दो आप ये देखें, अंसार अब्बासी तक ये कहने पर मजबूर हो गए कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो कुछ करेगी ताकतवरों तक भी उसकी हीट आएगी, बिकॉज देयर इज़ अ जनरल परसेप्शन कि इसके पीछे ताकतवर हैं। अब इन्होंने फिक्स पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट का जो कहा है, इसका मतलब जाहिर है मार्शाल्लाह और निज़ाम लपेट दिया जाए का कहा है, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत क्या है, ये एक सवाल है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसके इम्कानात कम हैं। लेकिन जाहिर है अल्लाह ना करे अगर हालात दंगे फसाद की तरफ जाते हैं, जो कि एम क्यू एम ने कहा है कि बिजली के बिलों में इजाफे से दंगे फसादात तक बात जा सकती है, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। फिर यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि मार्शाल्लाह के रूमर्स ही क्यों। दरहकीकत मेरे नज़दीक ये मैसेज कम्युनिकेट करना है कि इलेक्शन टाइम्स पर किसी सूरत नहीं हो सकते, और अगर कोई ऑर्डर कोर्ट्स की जानिब से आते हैं और वो मान लिए जाते हैं तो फिर चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। फिर इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जस्टिस उमरता बंदियाल के फैसले ना पहले माने गए और ना अब माने जाएंगे, लेकिन रूमर्स तो ये भी हैं कि जस्टिस काजी फैज ईसा आ गए तो वो भी आइन के मुताबिक शायद चीज़ें करें, जो कि हमें उम्मीद है, और 90 दिन से इलेक्शन बाहर नहीं जाएंगे तो इस सूरत में क्या होगा। अगर इलेक्शन अगलों ने नहीं करवाने और जस्टिस काजी फैज ईसा डट जाते हैं तो फिर केयर टेकर या निज़ाम के लपेटे जाने की तरफ बात जा सकती है। तो ये सारे कंसर्न्स अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके इम्कान एज ऑफ येट कम हैं। निगरान हुकूमत ऑल दो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही जो इनसे एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन माशाल्लाह के इम्कानात बहुत कम हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।